स्टैंडर्ड 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें क्रोमोसोम नंबर इन डिप्लॉइड स्टेट इन सम ऑर्गेनिज्म, वो टेबल दिया हुआ है, वो टेबल कैसे याद रखे आज ये हम देखेंगे। इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वो टेबल याद रखने के लिए पहले हमें एक ट्रिक याद रखनी है। फ्रूट हाउस के प्याले में रस एप्पल का राहु ने पिया, फ्रूट हाउस के प्याले में रस एप्पल का राहु ने पिया। यहाँ फ्रूट का मतलब है फ्रूट फ्लाई, हाउस मतलब हाउस फ्लाई, प्याले मीन्स प्याज मतलब ऑनियन, मे मतलब मेज, रस मतलब राइस, एप्पल मतलब एप्पल, का मतलब कैट, आर ए मतलब रेट और एच यू मतलब ह्यूमन, और पिया मतलब पोटैटो। फ्रूट फ्लाई, हाउस फ्लाई, ऑनियन, माइज, राइस, एप्पल, कैट, रेट, ह्यूमन बीइंग एंड पोटैटो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने याद रख लिया। अब इन सब ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं वो याद रखने के लिए सबसे पहले फ्रूट फ्लाई में 8 क्रोमोसोम होते हैं, वो याद रखना है। उसके बाद एक सिंपल तरीका है कि प्लस 4 करना है, मतलब कि फ्रूट फ्लाई में 8 है तो हाउस फ्लाई में प्लस 4 कर दो 12 हो जाएगा, प्लस 4 कर दो तो ऑनियन में 16 हो जाएगा, प्लस 4 कर दो तो मेज में 20 हो जाएगा, प्लस 4 कर दो तो राइस में 24 हो जाएगा। अब आया एप्पल, तो एप्पल तो महंगा है तो उसमें प्लस 10 करना है, मतलब 34 हो जाएगा। एप्पल में 34 तो प्लस 4 कर दो तो कैट में 38, प्लस 4 करो तो रेट में 42, प्लस 4 करो तो ह्यूमन में 46। और लास्ट में आया पोटैटो, तो पोटैटो तो आम आदमी का खाना है तो वो तो सस्ता है तो उसमें प्लस 2 कर दो तो 46 प्लस 2 मतलब 48। तो एक सिंपल तरीका है, पहले डिफरेंट ऑर्गेनिज्म याद कर लो, फ्रूट हाउस के प्याले में रस एप्पल का राहु ने पिया, और उसके बाद ये फॉर्मूला कि क्रोमोसोम नंबर सबसे पहले फ्रूट फ्लाई में 8 और प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 करते रहना है। सिर्फ एप्पल हो तो महंगा है तो उसमें प्लस 10 करना है, और पोटैटो आम आदमी का खाना है वो सस्ता है तो प्लस 2 करना है। थैंक यू।